नमस्कार, लीजिए। एक बार फिर आ गए हैं आपके पास, हो गई है मुलाकात। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, मैं हूं आपका होस्ट सैम। और आप लोगों से ना मैं बहुत प्यार करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सेम रिस्पॉन्स है आपका भी, लेकिन कितना ये मैं जानना चाहूंगा। आज बाइक्स की बात करने वाले हैं। कौन सी बाइक्स की अगर ये जानना चाहते हैं तो पहले वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उस बटन को दबाइए, अपना प्यार दिखाइए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आज इस वीडियो में आपके लिए क्या है स्पेशल। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद द न्यू हाइनेस आर एस। RS, अभी RS जैसे ही टर्म सुनने को मिलता है ना तो ख्याल क्या आता है, रैली स्पोर्ट, यानी कि टेक्निकली बहुत ही हाई फाई कुछ नई चीज़ है जो कि बाजार में आ गई। होल्ड ऑन, पांच बड़ी बातें बता देते हैं आपको इस RS के बारे में, और शुरुआत उस RS टैग के साथ ही कर लेते हैं। इट्स नॉट रैली स्पोर्ट्स। इस गाड़ी में, जिस गाड़ी पर ये बेस है, यानी कि होंडा हाइनेस CB350 और इस RS में टेक्निकली कोई फर्क नहीं है। RS हियर स्टैंड्स फॉर रोड सेलिंग। जी हाँ, ये जो रोड सेलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये कुछ नया नहीं है। ग्लोबली ये रोड सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है होंडा की मोबिलियो, ब्रियो, जैज और बहुत सारी गाड़ियों के साथ एशियन कॉन्टिनेंट में पहले इस्तेमाल किया जा चुका है। और रोड सेलिंग से होंडा का तात्पर्य ये है कि ये जो बिजी रोज़मर्रा की हमारी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली सड़कें ना, उनमें आराम से मस्ती करके निकला जा सके। एंड दैट्स वाई दिस आर एस इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद योर कम्फर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। हाइनेस में जो इंजन दिया गया था वही सिंगल सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया, वही 20.7 PS की पावर और 30 Nm का टॉर्क है, उनमें कुछ बदलाव नहीं है। हाँ, जो थोड़ा सा बदलाव हो सकता है वो इस लिहाज से कि जो RS है इसका वेट करीब 2 kg कम है, तो मे बी आपको शायद हल्का फुल्का ट्वीक देखने को मिले, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जब इसको सड़कों पर दौड़ाएंगे। लेकिन अभी एक नज़र मार लेते हैं और जान लेते हैं कि जो हाइनेस इस वक्त बाजार में मौजूद है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स भी ला रही है, उसमें और इसमें डिज़ाइन के लिहाज से क्या फ़र्क है। जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो इसके रेयर क्वार्टर में है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको बहुत बदलाव नहीं है, ये सिंगल वेरियंट में। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी सिर्फ एक सिंगल वेरियंट में, यानी कि कीमत की तरफ पहुँच जाते हैं। जो हाइनेस बाज़ार में दो वेरिएंट के साथ मौजूद है, उसके जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत 192 है और इसकी जो एक्सशोरूम कीमत है दैट इज़ 196, यानी कि करीब एक्सशोरूम 3,500 रुपये का अमूमन मोटा मोटा फ़र्क है जो कि इन दोनों गाड़ी में। अब 3,500 के फ़र्क में आपको क्या मिलता है? आपको एक गाड़ी मिलती है जो कि ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, 2 lakh से कम की कीमत में एक गाड़ी जो कि ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड एंड अपीलिंग है। जो वेरिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल वेरिएंट है लेकिन दो अलग अलग पेंट जॉब कह सकते हैं, जिसमें एक डुअल टोन है, एक मोनोटोन है जो कि दिया गया। जो मोनोटोन है उसमें नाइस ब्लैक ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी किया गया है विद CB350 RS बैजिंग। एंड फॉर एग्जाम्पल जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्रोम को बिल्कुल नदारद कर दिया गया, पूरी तरह नहीं हटाया गया, लेकिन हाइनेस में जिस तरह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर पुरानी हाइनेस अगर आपको जो इस वक्त बाज़ार में मौजूद है वो अगर ध्यान में हो, तो वहाँ पर फेंडर पे जैसे क्रोम का इस्तेमाल है उसको हटा दिया गया है। साइलेंसर पे आप देखेंगे डुक डुक साउंड सेम है, नो चेंज इन दैट, बट क्रोम का इस्तेमाल कम कर दिया गया। नाउ इट इज़ ऑल ब्लैक जो आपको देखने को मिलता है। फुटरेस्ट की पोजीशन दिस हैज़ बीन चेंज्ड अ लिटिल बिट, थोड़ा ऑफसेट कर दिया गया है, रियर ऑफसेट है जो कि आपको फुटरेस्ट में देखने को मिलेगा हाइनेस के कंपैरिजन में, सो दैट आपका जो पोजीशन है दैट्स मोर ऑफ यू नो स्पोर्टी ड्राइविंग। लेकिन उसकी वजह से हैंडल बार में किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं गई है, इट स्टिल इज एट ईज एंड एट पीस, ओनली द फुटरेस्ट दैट गॉट अ लिटिल बिट ऑफ चेंज। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव जो कि अगेन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, वो है ये जैपर्स के जो 18 इंच के जो टायर आपको हाइनेस जो बाज़ार में मौजूद है उसमें मिलते हैं, पर यहाँ पर है 17 इंच के, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, उसमें 130 है, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 150 फॉर अ बेटर ग्रिप ऑन रोड एंड इट लुक्स क्लासी। यार आप दोनों को ना मिला के एक बार देखिएगा ज़रूर, 3,500 का सिर्फ फ़र्क है एंड दिस इज़ लुकिंग रियली कूल फॉर अ गाय लाइक मी।
जस्ट 3,500 रुपये ज़्यादा देके शायद आरएस।